सबसे बड़ा मामला है छवि रंजन का। छवि रंजन का जो एफिडेविट फाइल हुआ है उसके बारे में कोर्ट ने दोबारा उन्होंने रिप्लाई फाइल किया था, काउंटर फाइल किया था छवि रंजन ने, उसको कोर्ट मानने से इनकार कर रही है, इसलिए कि उनका क्रिमिनल पास्ट है, उनके खिलाफ चार्जशीट सबमिट हो गया है, उनका क्वेश्चनिंग जो है वो भी डिसमिस हो गया है। इस पर माननीय न्यायालय ने न्यायालय का कहना है कि क्या एक चार्जशीटेड व्यक्ति राज्य सरकार को रिप्रेजेंट कर सकता है, क्या एफिडेविट फाइल कर सकता है, इस पर माननीय न्यायालय जो है वो डिसीजन देगी। 22 तारीख उसको रखा है और उनका जो है केस जो फाइल किए थे क्वेश्चनिंग वो 33/17/2021 22/4 को डिसमिस हो गया, जिसमें उन्होंने अपना पासपोर्ट रिलीज करने के लिए कहा था, और ये अप्रैल 22 तारीख को ही पिछले महीना में ही उनका डिसमिस हुआ है। छवि रंजन जो डीसी है यहाँ के, उनके बारे में कई चीज़ें हैं जो माननीय न्यायालय ने के समक्ष आया है। एक तो है कि उनका जो मामला है कोडरमा का वो क्लियर हो गया है कि भाई वो पीसी एक्ट का केस था। दूसरा ये है कि एसीबी को बोला गया है, एसीबी इसमें एफिडेविट जो है किसी कंपिटेंट अथॉरिटी को ही करना चाहिए, ऐसा माननीय न्यायालय ने कहा है आज। तो ये क्लियर हो गया है कि आज का जो है वो डिफर हुआ है, बिकॉज मिस्टर सिब्बल हैज सेड कि वो जो है उन्होंने एक एसएलपी फाइल किया, उन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट में जो लास्ट ऑर्डर है उसको चैलेंज किया है। उसके बाद से जो है जो मेरिट पे बहस है वो मेरिट पे आज बहस नहीं हो पाया, इसलिए क्योंकि एसएलपी और नवो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दो मामले में उन्होंने फाइल किया होगा, हमको लगता है कि दो मामले में ही फाइल हुआ होगा, दो मामले साथ चल रहे थे 42/90 और 727। क्या मैटर है? और ये मैटर है जो शेल कंपनीज वाला था और था माइनिंग का मुख्यमंत्री जी का, उसके बारे में। तो ये सारे मैटर जो है वो अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास है, कल सुनवाई होने की उम्मीद है वहाँ पे, जैसा मिस्टर सिब्बल ने कहा हो सकता है कि कल सुनवाई हो, उसके बाद से इसको रखा गया। सैटरडे वर्किंग डे नहीं था, सैटरडे को ही माननीय न्यायालय इसको रख रही थी सुनने के लिए ऑन मेरिट, लेकिन वो उन लोगों का कहना है कि सैटरडे जो है एडवोकेट जनरल का कहना है कि वो उस दिन छुट्टी है, इसलिए उसको डेफर कर दिया जाए, इसको रखा गया है ट्यूजडे।